इसने तो मेरे को कई बार कह दी, मैं इन्हें न्यूटी ला पीछे कौन सा था ले रहे था ठीक से बस बस मत दुखी हो, मत दुखी हो। ये 31,000 तो रुपये हैं और सामान वो आपका बाहर खड़ा गड़ी आपकी बीड़ी है, एक डबल बेड है, एक संदूक है, एक अलमारी है, एक सिलाई मशीन है, 51 बर्तन है, एक गैस चूल्हा है और चांदी की चुटकी है, पजेब है, अंगूठी है, ये चीजें हैं छोरी के लिए। एक लहंगा है बहुत बढ़िया भाई, इन्हें संभाल जी हो मालिक आपको 20,000 दे दे। आप सभी साथियों को राम राम। आप सभी साथियों को बताया था कल हिसार के पास ढूंढूर गांव में एक बेटी की शादी करवाई थी, आप सभी को बता दिया था, उसमें से कुछ पैसा वे जो दानवीर साथी उनका बचा हुआ था, वो जो बचा हुआ दान है उससे आज की जो शादी है उसके अंदर जो सहयोग किया गया, एक डबल बेड, एक संदूक, एक कलमारी, एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन, एक गैस चूल्हा, प्लस 31,000 रूपये कन्यादान, चांदी की चुटकी, पजेब, अंगूठी। प्रवीण वर्मा जी अपने आप सभी साथी जानते भी हो, प्रवीण वर्मा जी भाई की तरफ से चांदी की चुटकी, पजेब, अंगूठी है। मेरी बहन कल नहीं पहुंच पाई थी कि तहलावत, मेरी बहन की तरफ से कल पहले ही 3100 रूपये भेज दिए गए थे दोनों मददों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी। मेरे साथ में दम्बल फौजी भाई साहब, हमारे भाई साहब की तरफ से 4100 रूपये, इनकी जो इनका भाईचारा उनकी तरफ से पहले ही कल जमा कर दिए थे। इनका नाम मैं लेने में कल माफी चाहता हूँ, भूल गया था क्योंकि वहाँ पे ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा वो था। एक नाम बहन का दिल्ली से आरती, एक दिल्ली से आरती बहन है जिनके पिताजी गुजरे हुए हैं, आज उनके पिताजी की बरसोदी है, उसकी याद में उन्होंने इस बेटी के लिए लहंगा भेजा है। मेरी आप सबसे ये विनती है, देखो आप जन्मदिन मनाओ या कोई खुशी मनाओ या आपके घर में कोई भी खुशी का त्योहार हो, अमीर आदमी के घर में रोज त्योहार रहे हैं, सबसे बड़ी चीज होती किसी गरीब के साथ खुशियां मनाना। अगर आपके घर में कोई खुशी का मौका उसको गरीब के साथ साझा करे, सबसे बड़ी खुशी यह है। जो ये मेरे साथी 10 रुपया की दारू पी हुए हैं, 5,000 रुपये पीण खान पे, सट्टा खेलन पे, इन चीजा पे खराब करते हैं, उनने मगर न्यू मान लो थारी कोई ना कोई बाण बेटी थारा इंतजार करने लाग रही है, अपनी वो बुरी आदता मगर 5,000 रुपये न्यारे काट लिया करो और उनने इकट्ठे करके किसी ने किसी गरीब बाण बेटी तक दान दे दिया करो, थारी जरा ही लगेगा किसी गरीब का घर बस जाएगा। यही आप सबसे गुजारिश है, धीरे धीरे सोच बदलती है, धीरे धीरे इंसान के विचार बदलते हैं। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बता दूं, इससे इतना प्यार प्रेम बढ़ता है। अब हम यहाँ पे आए, हमें एक दूसरे की किसी की जाति का नहीं पता, किसी के धर्म का नहीं पता, हम सब की जाति इंसानियत, इंसानियत से हम प्यार करते हैं। इंसान बन के रहोगे तो एक दूसरे के काम आते रहोगे, नहीं तो ये नेता मंत्री जातियों में फंसा के ऐसे ही आप लोगों को लड़ाते रहेंगे। सभी साथियों ने इतना मान सम्मान, इतना दान, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं अगली मदद में दोबारा से। बहुत